देश के प्रधानमंत्री का संवाद सुनने के लिए उमड़े लोग। धौरहरा सांसद रेखा अरुण वर्मा रहे मौजूद। यूपी के सीतापुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मोहौली तहसील के ब्लॉक परिसर में धौरहरा सांसद रेखा अरुण वर्मा की मौजूदगी में क्षेत्र के नौजवान, बड़े बुजुर्ग और महिलाएं सभागार में मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री ने संवाद शुरू करने से पहले जब देश की जनता को नमस्कार किया तो मोहौली ब्लॉक सभागार में मौजूद लोगों के द्वारा भी नमस्कार किया गया। इस दौरान उनके अंदर जोश भी भर गया। संवाद शुरू होने के पहले नगर पंचायत मोहौली के पूर्व अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। ये पैसा जो किसानों को मिला है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसानों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार योजना दे रही है, इसमें बिचौलिया खत्म हो गया है। इसमें जो भी फंड ट्रांसफर हो रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो, चाहे शौचालय का पैसा हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपया का बीमा हो, 5 लाख रुपया का बीमा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, केवल आपको एक कार्ड दिखाना है, डॉक्टर आपका समुचित इलाज फ्री करेंगे। जनता से जो लाभार्थी है, जिनको आवास मिला है, जिनको शौचालय मिला है, जिनको लैंड कनेक्शन मिला है, जिनको आयुष्मान भारत कार्ड मिला है या अन्य योजनाओं के द्वारा उनको लाभ दिया गया है, उनसे सीधा संवाद हमारे प्रधानमंत्री जी। इस अवसर पर आदर्श नगर पंचायत मोहौली के अध्यक्ष सरिता गुप्ता, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, भाजपा अजय गुप्ता, मोहौली भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय शुक्ला विद्यार्थी, नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर अमित गुप्ता तथा पीयूष मिश्रा एवं सभासद प्रतिनिधि धर्मेंद्र कन्नौजिया सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।